अस्सलामुअलैकुम। थोड़ा पीछे आइए। पीछे लोगों मत अभी आपने देखा कि तेलंगाना रियासती उर्दू अकेडमी की 2021 की जो डायरी थी अकेडमी के सदर नशीन जनाब डॉक्टर हेमुद्दीन अंसारी साहब ने इसकी रूनमाई अंजाम दी। चूँकि ये डायरी हर साल की तरह स्कीम में शामिल है, लेकिन इस साल की डायरी बड़ी मुनफरिद हैसियत की हामिल है, जहां इस डायरी के अंदर हम मुख्तलिफ अखलियती बहबूद के शोबे और महकमे के तमाम स्कीमात का अहाता करते हैं। उसके बावजूद हमने उसके अलावा हमने मुख्तलिफ कल्चरल और सकाफती अनासिर को हमने शाये किया है। जैसे कि आप देख रहे हैं कि इसके हर सफ़े पर एक शेर लिखा हुआ है, और ये वो मुंतखबा अशार हैं जिसके पढ़ने वाले खारी को एक बहुत ही सबक आमोज़ इसके अंदर इसका मौजू मौजूद है। तो इन तमाम मौजूआत को न सिर्फ हमने इसके अंदर शामिल किया है, बल्कि ये दीदाज़ेब डायरी जो गुज़िश्ता साल से भी बेहतर हमने इस साल तैयार की है, और चूँकि देरी इसको इसकी रुनमाई करने के अंदर कुछ देर तो हुई है एक आध हफ्ते की, लेकिन हमने इसको बड़ी मेहनत और मशक्क़त से तैयार किया है। मैं इसकी तैयारी करने के लिए और इसके अंदर मदद और मावनत करने के लिए अकेडमी के तमाम जो मुतालका अहदेदारान हैं उन तमाम का शुक्रिया अदा करता हूं, और ये उम्मीद करता हूं, ये ख्वाहिश करता हूं कि उर्दू अकेडमी की सन 2021 की ये डायरी उन तमाम दानिशों तक पहुंचे, उन तमाम हल्के अहबाब जो अदिबा हजरात हैं उन तक पहुँचे, इन दोस्त अहबाब के पास पहुँचे जो इसकी ख्वाहिश रखते हैं और इसका भरपूर इस्तेमाल करें, और इसके ज़रिए से इंशाल्लाह न सिर्फ उर्दू से लगाव होगा बल्कि उर्दू सीखने की नई ख्वाहिश ज़रूर पैदा होगी इंशाल्लाह। आज हालत ये हो गई है कि हमारी नई नस्ल उर्दू से बहुत दूर होती जा रही है, ये बहुत ही बड़ा तशवीशनाक पहलू है हमारे समाज का, इसको दूर करने की ज़रूरत है। बल्कि तमाम जो सिविल सोसाइटी ऑर्गेनाइजेशन हैं उन तमाम ऑर्गेनाइजेशन को आगे आना चाहिए। ज़बान के मुर्दा होने तक हमको इंतज़ार नहीं करना है, बल्कि उसके अंदर नई जान डालने के लिए तमाम अनासिर और तमाम तंजीमें और तमाम अंजुमनें इनको बाहमी इश्तराक और हमाहंगी के साथ इसका हम ख्याल रखेंगे, तो इंशाल्लाह ज़बान ज़रूर फलेगी और फूलेगी, और ज़रूर इसका इंशाल्लाह समाज के अंदर बड़ी पज़ीराई होगी। आपने देखा कि गुज़िश्ता 26 जनवरी को हमने उर्दू अकेडमी की जानिब से उर्दू की 9 निसाबी किताबें अंडर ग्रेजुएट कोर्सेज की शाये की थी, पॉलिटिकल साइंस, हिस्ट्री और इकोनॉमिक्स की डिग्री कोर्सेज की, जो तमाम साले अव्वल, साले दुव्वम और साले सुव्वम की किताबें थी, और जिसको पूरे हिंदुस्तान में सराहा जा रहा है। इंशाल्लाह ये तमाम किताबें अनकरीब रियासत तेलंगाना के तमाम डिग्री कॉलेज को इंशाल्लाह मुहैया की जाएंगी। बहरहाल मैं ख्वाहिश करता हूँ कि उर्दू अकेडमी इस बात को भरपूर अपनी मैंडेट के ज़रिए से कोशिश कर रही है कि तेलंगाना के हर घर के अंदर, तेलंगाना की उर्दू बोलने वाले हर घर के अंदर वो तमाम चीज़ें जो हम पहुंचाना चाह रहे हैं वो ज़रूर पहुंचे। कारवाने उर्दू का हमने गुज़िश्ता एक बहुत ही बड़े पैमाने पे हमने इसका आगाज़ किया था, इंशाल्लाह आगे चलकर हम कारवाने उर्दू के ज़रिए से उर्दू अकेडमी की तमाम स्कीमात को घर घर तक पहुंचाएंगे। बेहद शुक्रिया, खुदा हाफिज़।
बेहद शुक्रिया, आपने अच्छा सवाल किया है। मैं नहीं समझता कि मुखालिफत की वजह से ये दिया गया है, बल्कि हमारी गुज़िश्ता साल की जो कारकर्दगी रही है, कोविड होने के बावजूद, पैंडमिक होने के बावजूद भी हमने जो जो चीज़ें आपके सामने हैं उसकी कारकर्दगी कोई ढकी चुकी नहीं है। हमने इसका तमाम इसका जिक्र हमने कारकर्दगी कारनामे का जिक्र हमने अपने वेबसाइट के अंदर भी इसको अपलोड किया हुआ है, तमाम हजरात बखूबी जानते हैं हमारी सरगर्मियाँ। बहरहाल मैं रियासत के वज़ीर आला जनाब चंद्रशेखर राव साहब, कपूलेश्वर साहब, वज़ीर अखिलती बहबूद, हमारे चेयरमैन साहब डॉक्टर रहीमुद्दीन अंसारी साहब का बिलखसूस शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने कारकर्दगी की बुनियाद पर एक और मियाद में, एक साल के मियाद में तौसी की है। हम कोशिश करेंगे कि इंशाल्लाह इस आने वाले साल के अंदर नई इख्तराई इसकी माद के ज़रिए से उर्दू को और उर्दू कल्चर को, उर्दू तहजीब को इंशाल्लाह रियासत में आम करने की कोशिश करेंगे, और जो हमारी जो पास्ट ग्लोरी ऑफ उर्दू है, उर्दू का जो शानदार माजी है, उसको बहाल करने की इंशाल्लाह पूरी कोशिश करेंगे। आपका अभी इंशाल्लाह उस पर कई डिस्कशंस बाकी हैं, क्योंकि हालात ऐसे नहीं हैं कि हम एक कॉमन गैदरिंग के ज़रिए से, इसलिए कि बहुत सारे रिस्ट्रिक्शंस हैं, SOPs हमको हमारे सामने हैं, रिस्ट्रिक्शंस हैं। हमारी ये बड़ी ख्वाहिश है कि आइंदा आने वाले दिनों में, जून में या जून के बाद, आलमी उर्दू कॉन्फ्रेंस को हम पूरा करने की कोशिश करेंगे। हमारे बोर्ड ऑफ गवर्नर्स में इसकी मतलब एक इसका अप्रूवल हुआ था, इसको मंजूरी हासिल हुई थी, लेकिन हालात के बदलने की वजह से हमने उसको रोक दिया था। इंशाल्लाह हालात के मामूल पर आने के बाद, बहाल होने के बाद, इंशाल्लाह हम आलमी उर्दू कॉन्फ्रेंस को हैदराबाद में बड़े पैमाने पर मुनक़द करने की कोशिश करेंगे, जिसमें हम कोशिश करेंगे कि हमारे रियासत के वज़ीर आला चंद्रशेखर साहब को मदु करेंगे, हुकूमत हिंद के नुमाइंदे भी आएंगे, और हुकूमत के जितने भी इदारे हैं इंशाल्लाह उसके इश्तराक से हम काम करेंगे। एक आखिरी में जी, मैं बड़ा ही ममनून मशकूर हूँ कि हमारा स्टाफ बड़े ही पेशेवराना जहन का हामिल है, और वो जानते हैं कि क्या कुछ हमारे साथ हुआ है। उनको मालूम है कि किसको कैसे मोहरा बनाया जाता है, उनको मालूम था कि इसका मास्टरमाइंड को मैं, बहरहाल तमाम चीज़ों को हम इसकी तफसील में जाना नहीं चाहूँगा। मैं उन तमाम हजरात का ममनून मशकूर हूँ जो ये चाहते थे कि उर्दू अकेडमी को, उसकी बुनियादों के इस्तेहकाम को खलल डालें और उसको मज़ाहमत के साथ करें। मैं कोशिश करूँगा कि इंशाल्लाह ये स्टाफ का इत्तेहाद बाकी रहे और इनकी 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 इस्तेहकामत के ज़रिए से इंशाल्लाह अकेडमी और तरक्की करेगी, और हम कोशिश करेंगे कि इस साल यानी आने वाले एक आध दो महीने में इनका दो रोज़ा एक ओरिएंटेशन प्रोग्राम है, जिसके ज़रिए से हम उनको और रिफ्रेश करते हैं, ओरिएंटेशन के ज़रिए से उनके और प्रोफेशनल स्किल्स को हम अपग्रेड करने की और पूरी मुस्तकम करने की कोशिश करेंगे। बेहद शुक्रिया।